हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मास वेट एंड डेंसिटी का पार्ट नंबर थ्री दोस्तों जितना भी आप लोगों का हमने दो पार्ट में पढ़ा था आई होप आप उसको घर पे ढंग से अच्छे से रिवाइज करा होगा पढ़ा होगा चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और दोस्तों आज क्लास जो है वो पूरी की पूरी रहेगी बाइन्सी फोर्स उत्प्लावन बल पे ठीक है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है मजा आप लोगों को आ जाएगा फिर इसके बाद में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं मास वेट एंड डेंसिटी का पार्ट नंबर थ्री एक जना बोल रहा है सर ये मेरी क्लास कोई नहीं चल रही दोस्तों कोई दिक्कत आ रही है टेक्निकल समस्या इस नंबर पर कॉल कर ले सेवन थ्री सेवन फोर जीरो वन नाइन फोर थ्री सेवन ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन फोर्स यानी उत्प्लावन बल क्या होता है करना चाहूंगा, या आपके भी वो अपने रहे क्या जैसे मान लेते हैं आपके हाथ में कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ मान लो कोई भी सामान है जैसे मान लो ये फोन ही है अभी फोन का आपका क्या है कुछ वजन लग रहा है लेकिन जब आप लोग पानी के अंदर डालोगे जब पानी के अंदर आप डालोगे तो क्या वो हल्का लगेगा क्या क्या वो हल्का लगेगा क्या बताओ अरे समझो मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जैसे मान लो यहां पर अभी एयर में आपने कोई टुकड़ा पकड़ रखा है मान लो ये कोई ये आप लोग मान लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा या मोबाइल का मोबाइल फोन या कुछ भी आप लोगों ने ये चीज पकड़ रखी है दोस्तों जैसे छोड़ दोगे नीचे की ओर आएगी क्या बिल्कुल सर नीचे की ओर आएगी क्यों क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा है एक फोर्स लग रहा है हिंदी में क्या बोलेंगे सर एक बल लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है वो वेट है वो क्या है भार है वो वेट है यानी भार है उस वस्तु का जैसे मान लेते हैं इसका द्रव्य था दस किलोग्राम तो नीचे जो इसका भार होगा वो कितना होगा एम इंटू जी एम का मान है दस स्मॉल जी का मान है दस दस इंटू दस सौ तो सौ न्यूटन क्या है नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो क्या है वो एक प्रकार से उसका आ, भार है ठीक है दोस्तों जब आप लोग पानी में लेकर जाओगे तो चीज क्या लगेगी हल्की लगेगी लगेगी नहीं लगेगी अरे लगेगी या नहीं लगेगी देखो समझो मेरी बात को जब आप लोगों ने इसको ऊपर पकड़ रखा है ऊपर पकड़ रखा है तो इसका जो भार है वो कितना है सो न्यूटन है भार क्या है सो न्यूटन है समझ में आ गई बात को लेकिन जब आप लोग इसको अंदर पानी में आपने डूबा दिया तो क्या चीज आपको हल्की लगती है कि बोलो हाँ या ना अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हल्की लग रही है यानी नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है तो आप लोग बोलेंगे सर कम क्यों लगा यार एम जी बराबर होता है सौ तो सर अगर दस किलोग्राम की वस्तु थी तो दस किलोग्राम की रहेगी है ना अगर दस किलोग्राम की दस किलोग्राम तो सर अभी भी एम जी सौ ही तो लग रहा है फिर हम लोगों को यह हल्की क्यों लग रही है बताओ समझ में आई क्या या आपके मन में डाउट आ रहा है क्या क्यों लग रही है तो मैं बताता हूं क्यों लग रही है देखो जब भी किसी वस्तु को आप लोग पानी के अंदर डालोगे या किसी भी लिक्विड में तरल में डालोगे तो कुछ तरल विस्थापित होगा क्या सर विस्थापित होने का मतलब क्या है डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है देखो समझो जब आपने टुकड़े को पानी के अंदर डाला तो जब आपने टुकड़े को पानी के अंदर नहीं था तो सब जगह क्या था सर पानी 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 था लेकिन जैसे ही आप लोग किसी वस्तु को किसी टुकड़े को पानी के अंदर लेकर आए तो दोस्तों यहां वाला पानी इधर उधर चल गया क्या क्यों क्योंकि इस जगह उस पानी की जगह क्या आ गई वो वस्तु आ गई तो एक्चुअली में होता क्या है जब भी आप लोग किसी भी वस्तु को किसी लिक्विड में किसी तरल में डालोगे तो कुछ तरल विस्थापित होता है इधर उधर जाता है ठीक है और दोस्तों इसकी वजह से उस उसपे वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे आप लोग बोलते हैं बायसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि नेट फोर्स अभी नीचे कितना लग रहा है बताओ 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 जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए अब नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है सर हंड्रेड माइनस एफ बी जबकि पहले कितना लग रहा था हंड्रेड अब हंड्रेड माइनस एफ बी यानी कुछ कम लग रहा है इसलिए हम लोगों को वस्तु क्या लग रही है हल्की लग रही है समझ में आ गया तो आप लोग किसी भी वस्तु को पानी में डालोगे तो वो आपको हल्की लगेगी उसके बाहर में आपको लगेगा कुछ कमी आ गई वो किस वजह से क्योंकि उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे आप लोग बोलते हैं बायस फोर्स यानी उत्प्लावन बल ठीक है सर मास डेंसिटी का वीडियो नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो ना बिकॉज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो आपके सर आपको सारी जानकारी दे देंगे टेक्निकल टीम सेवन थ्री सेवन फोर जीरो सेवन है ना कोई भी टेक्निकल इश्यू है समझ में आ गई बात को ठीक है आ जाओ अब बात करते हैं एक छोटी सी बात कभी आप लोगों ने सोचा कभी आपने देखा है क्या कि, कि कोई चीज आप लोग जब पानी में डालते हो तो वो फ्लोट करती रहती है वो तैरती रहती है क्या कभी देखा है क्या क्यों तैरती है आइए मैं आपको बताता हूं देखो देखो कोई वस्तु फ्लोट यानी तैरती कब है क्योंकि कोई भी वस्तु का क्या होता है कुछ वेट होता है भार होता है तो यस सर नीचे इसका क्या लग रहा होगा वेट लग रहा होगा भार लग रहा होगा और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डालते हैं तो पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको आप लोग बोलते हैं बायसी फोर्स या बायन फोर्स तो दोस्तों अगर बायंसी फोर्स और वस्तु के वेट का मान बराबर होगा तो क्या होगा वेट का होता है जो नीचे की ओर लगता है फोर्स का होता है जो ऊपर की ओर लगता है तो अगर ये दोनों फोर्स समान है तो आप लोग बोलेंगे वस्तु क्या करेगी फ्लोट करेगी फ्लोट तैरेगी अगर दोस्तों नीचे की ओर लगने वाला वेट ज्यादा है और बायसी फोर्स दोस्तों क्या है कम है ना बायसी फोर्स से, से ज्यादा वस्तु का वेट है तो इस वाले केस में क्या कर जाएगी वो डूब जाएगी वो सिंक कर जाएगी समझ में आ गई ठीक है आ जाओ तो आप लोग बोलोगे कि सर एक बार मुझे फोर्स के बारे में आप हम आपने बस अभी तक मुझे ये बताया है कि जब भी किसी वस्तु को हम लोग किसी लिक्विड में डालेंगे तरल पे डालेंगे तो उसमें ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे बायसि फोर्स बोलते हैं बस सर इतनी सी बात आपने बताई इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है ये सारी चीजें आप मुझे समझाओ आइए दोस्तों एक्चुअली में हम इस बायस फोर्स उत्प्लावन बल के बारे में हमको किसने बताया, बताया, बताया? तो बताया? बताया प्रिंसिपल दिया सिद्धांत दिया इन्होंने क्या बोला इन्होंने ये बात बताई थी कि जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है इसमें क्या है कोई लिक्विड यानी तरल भरा हुआ है इन्होंने ये बोला कि जब किसी बॉडी को जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड यानी तरल में डाला जाता है वापिस आप लोग समझेगा जब भी किसी बॉडी को किसी वस्तु को किसी लिक्विड या तरल में डाला जाता है ना तो उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे आप लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये फोर्स लगा क्यों क्योंकि तो देखो आपने क्या करा है जब ये वस्तु बाहर थी जब ये वस्तु बाहर थी अंदर सब जगह क्या था पानी पानी था लेकिन जैसे इस वस्तु को आप लोग अंदर लेकर आए तो यहां वाला जो पानी है वो कहां चला गया इधर उधर चला गया ना इधर उधर चला गया ना तो दोस्तों कुछ जो तरल है कुछ जो पानी वो विस्थापित हो गया डिस्प्लेस हो गया उस वजह से उस पानी ने उस लिक्विडनेस ने वस्तु पे फोर्स लगाया और इस वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहां पर होगा ऊपर की ओर होगी और इस फोर्स को क्या बोलते हैं फोर्स यानी उत्प्लावन बल बोलते हैं ठीक है क्या समझ में आ गई बात को बहुत बढ़िया सर क्वेश्चन सर, ये आता है कि जो बायसी फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा दस न्यूटन लगेगा बीस न्यूटन लगेगा चालीस न्यूटन लगेगा सौ न्यूटन लगेगा तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकाले इसका मान कैसे निकाले क्या 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 आप भी ये जानना चाहते हैं क्या कि इस बायसी फोर्स की वैल्यू यानी मान कैसे निकाले क्या आप भी जानना चाहते हैं क्या हाँ सर मैं जानना चाहता हूं तो दोस्तों आरके मिडी साहब ने क्या बोला कि किसी भी वस्तु पे जो बायसी फोर्स यानी जो उत्प्लावन बल लगेगा ना मैं बताऊं कितना लगेगा हमने बोला कितना दोस्तों कितना तरल विस्थापित तो हुआ है जो तरल विस्थापित तो हुआ है ना विस्थापित तरल विस्थापित तरल के भार के बराबर यानी वेट ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड प्लेड सर नहीं आया समझ में सर नहीं आया मुझे तो समझ में कोई बात नहीं मैं समझाता हूं आपको अभी सब समझ में आ जाएगा ठीक है इधर देखो इधर देखो दोस्तों आप लोग एक चीज देखिए यहां पर एक कंटेनर था ठीक है सर इस कंटेनर में क्या भरा हुआ था पानी भरा हुआ था ठीक है दोस्तों इसके अंदर आपने क्या डाला किसी वस्तु को डाला देखो आप लोग देखो पहले ये वस्तु कहां पर थी पानी से बाहर में थी आपने क्या डाला पानी के अंदर डाला किसी वस्तु को तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए जब आपने वस्तु को पानी के अंदर डाला तो कुछ पानी इधर उधर जाएगा तो दोस्तों देखो पहले क्या था प्लीज समझिए पानी आराम से भरा हुआ था लेकिन जब आपने वस्तु को डाला तो पानी कुछ बाहर निकलेगा ना इधर उधर तो जाएगा ना कुछ तरल विस्थापित तो होगा ना तो जो पानी बाहर निकला ना हमने उसको यहां पर निकाल लिया ठीक है ये पानी कितना था मान लेते हैं ये पानी था दो किलोग्राम ये पानी का जो मास था वो कितना था दो किलोग्राम दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से बस प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आपने आप जब भी किसी बॉडी को जब भी किसी वस्तु को किसी लिक्विड तरल में डालते हैं तो कुछ तरल विस्थापित होता है और दोस्तों इस विस्थापित तरल की वजह से इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे बायसी फोर्स उत्प्लावन बोलते हैं तो क्या इस पे भी बायसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल लग रहा होगा क्या बिल्कुल सर लग रहा होगा बिल्कुल लग रहा होगा दोस्तों वो बायसी फोर्स कितना लग रहा है कौन बताएगा बताओ कितना लग रहा है कौन कैलकुलेट करके बताएगा बताओ तो मैंने क्या बताया अभी किसी फोर्स का मान क्या होता है विस्थापित तरल के भार के बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लू कितना डिस्प्लेस हुआ है दो किलोग्राम इसका वेट क्या होगा वेट का फॉर्मूला है एम इन जी तो दो गुना जी जी का मान अभी दस मान लो तो दो गुना दस बीस न्यूटन तो बीस न्यूटन का बायसी फोर्स लग रहा है बताओ दोस्तों समझ में आ गईगा बताओ बताओ जल्दी से अरे आयुष मार्टिन जी आपको जितने डाउट आता है इधर पढ़ लो ना पता नहीं क्या सर स्विम ऑन वाटर दैट पॉसिबल बिकॉज पहले बाइन से पोर्स तो समझ लो क्या होता है सर वाटर किलोग्राम में नहीं होगा लीटर में होगा अरे भैया इधर पढ़ लो यार पढ़ लो ठीक है ठीक है समझ में आ गई यहां पर ठीक है सर ये बात समझ में आ गई और दोस्तों कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही होगी ना अगर मैं बोलू कि किसी वस्तु को मैंने डाला वो फ्लोट कर रही है तैर रही है क्यों तो तैरती है देखो दोस्तों उस वस्तु का कुछ ना कुछ वेट है भार है वो उसको कहां पर ले जाने की कोशिश करेगा नीचे ले जाने की कोशिश करेगा लेकिन तैर क्यों रही है जरूर इस इसपे ऊपर क्यों और एक फोर्स लग रहा होगा जिसे आप लोग क्या बोलते हैं बायसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कोई भी वस्तु फ्लोट कब करेगी जब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर हो तो ध्यान रखिएगा बायसी फोर्स का मान किसके बराबर होगा उस वस्तु के वेट के बराबर होगा भार के बराबर होगा वस्तु के भार के बराबर ठीक है बायसी फोर्स का मान अगर वस्तु के भार के बराबर है इसका मतलब वो वस्तु क्या करेगी फ्लोट करेगी वो वस्तु क्या करेगी तैरेगी ठीक है ठीक है समझ में आ गई बात को ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन करवाता हूं बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे सारे ठीक है और तार वगैरह में डरा नहीं रहा मतलब मैं आपको ये करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आ जाओ दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है ठीक है कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक सिलेंडर है ना ये कंटेनर मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है समझ में आ गई समझ में आ गई समझ में आ गई इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है दोस्तों पानी का घनत्व आपको दिया हुआ है पानी का घनत्व कितना है एक हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब यह पानी की डेंसिटी है आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है सर आ गई दोस्तों आपने इसके अंदर क्या डाला कोई आपने मान लेते हैं कोई एक सिलेंडर डाल दिया सिलेंड्रिकल कुछ डाल दिया दोस्तों सिलेंडर किसी ना किसी का तो बना होगा ना ये तो प्लास्टिक का बना होगा लोहे का बना हुआ होगा चांदी का बना होगा किसी ना किसी का तो बना होगा तो जिस पदार्थ से ये सिलेंडर बना हुआ है उसकी जो डेंसिटी है उसकी जो घनत्व है डेंसिटी जो है उसका जो घनत्व है वो आपको दिया हुआ है छह किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई ठीक है आगे ठीक है दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो सिलेंडर है ना वो क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है फ्लोट का मतलब क्या है यह तैर रहा है चलिए सर ओके तो दोस्तों अगर तैर रहा है ठीक है जैसे मान लेता भी ऐसे तैर रहा है तो दोस्तों इसका कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा कुछ पार्ट बाहर होगा तो दोस्तों जो पार्ट पानी के अंदर है इसको इसके टोटल लेंथ को मैंने मान लिया कैपिटल एल इसकी टोटल लेंथ को मैंने मान लिया कैपिटल एल और इसके जितनी लेंथ इसके पानी के अंदर है उसको मैंने मान लिया स्मॉल एल तो बेसिकली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं स्मॉल एल और कैपिटल एल का रेशो क्या है अनुपात क्या है दोस्तों सॉल्व करिए बताइए बताओ अब इस क्वेश्चन को वो ही सॉल्व कर पाएगा जो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुन रहा है समझ रहा है ठीक है ना कि फालतू के कमेंट कर रहा है बताओ बताओ करो सॉल्व तो दोस्तों अब एक जो स्टूडेंट होगा वो दिमाग लगाएगा कि सर अगर कोई वस्तु फ्लोट कर रही है तैर रही है इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उस वस्तु का जो वेट है ना बेसिकली वो उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा वेट ऑफ बॉडी या यहां पर क्या है सिलेंडर वेट ऑफ सिलेंडर जो होगा ना उस वस्तु का उस सिलेंडर का जो भार होगा ना उतना ही क्या लग रहा होगा बायसी फोर्स लग रहा होगा उस वस्तु पर ठीक है तो उसको लिख सकता हूं क्या बायसी फोर्स बायसी फोर्स ऑन सिलेंडर अरे यार ये वाली चीज तो सिंपल है सिंपल है ठीक है सर दोस्तों आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या इस सिलेंडर का इस पूरे सिलेंडर का वेट कितना होगा सर ये कैसे निकालू चलो ये जो सिलेंडर है ना इसका जो टोटल मास है इसको मैं कैपिटल एम मान लेता हूं ठीक है टोटल तो, दो किलो पांच किलो मुझे नहीं पता कितने किलो का है टोटल मास मैंने मान लिया एम तो उसका वेट क्या होगा स्मॉल जी से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है क्या ठीक है दोस्तों इस पे बायसी फोर्स उत्प्लावन बल कितना लग रहा होगा सर आपने बताया था फोर्स उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है तो जब आपने सिलेंडर को पानी में डाला होगा तो कुछ पानी इधर उधर गया होगा डिस्प्लेस हुआ होगा तो फोर्स क्या होता है वेट के बराबर होता है किसका वेट अरे किसका भार वेट के बराबर होता है किसका डिस्प्लेस्ड फ्लू जो तरल विस्थापित हुआ है उसके भार के बराबर ठीक है तो दोस्तों इसको मैंने ऐसे कैसे रख दिया तो फॉर एग्जाम्पल देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू जी एम इंटू जी ठीक है लेकिन ये एम इंटू जी किसका लेना है जो फ्लूड का कितना तरल विस्थापित हुआ है ना दो किलो तीन किलो कितना हुआ उसका आप लोगों को निकालना है ठीक है आप लोग मुझे बताइए प्लीज मेरी बात को डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम तो दोस्तों इस पूरे का मास निकालने के लिए क्या करेंगे इस पूरे पार्ट का मास निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम ठीक है इंटू स्मॉल जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है दोस्तों कितना पानी विस्थापित हुआ उसका द्रव्यमान निकालने के लिए कि भैया एक किलोग्राम इधर उधर गया है, दो किलोग्राम पानी इधर उधर गया वो कैसे निकालेंगे तो दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूं इसको भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ठीक है लेकिन ये किसका होगा जो फ्लूड का यानी जो तरल विस्थापित तो हुआ है उसका होगा ठीक है ठीक है दोस्तों समझ में आ गई क्या आराम आराम से करो घबराते क्यों हो टेंशन क्यों लेते हो यार तुम ठीक है दोस्तों मुझे बताइए ये जो डेंसिटी है इस सिलेंडर की डेंसिटी आपको दे रखी है क्या बिल्कुल दे रखी है सर 600 बहुत बढ़िया दोस्तों इसका वॉल्यूम इसका आयतन पता है क्या नहीं पता सर लेकिन मैं मैथ्स में जानता हूं कि अगर इसका ये वाला एरिया ए हो तो एरिया इन लेंथ हो जाएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या ठीक है दोस्तों जो डिस्प्लेस्ड फ्लूड है जो तरल जो विस्थापित हुआ है तरल उसकी डेंसिटी कितनी कौन सा तरल विस्थापित हुआ है पानी उसकी डेंसिटी कितनी है 600 है बहुत बढ़िया सॉरी पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 हजार दोस्तों कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है पानी का कैसे पता पड़ेगा तो आप एक चीज मुझे बताइए केवल इतना पार्ट ही तो सिलेंडर का केवल सिलेंडर का इतना पार्ट ही तो इतना पार्ट ही तो पानी के अंदर है केवल इतना पार्ट ही तो पानी के अंदर है तो इतना जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो ही तो पानी के अंदर है अरे यार दोस्तों एक चीज मुझे बताओ छोटी सी बात समझो एक जगह है आपके घर के नीचे जहां पर एक बाइक खड़ी, खड़ी हो सकती है पर एक बाइक खड़ी हो सकती है दोस्तों मैंने पर एक बाइक खड़ी कर दी ठीक है मैंने हटाई किसी दूसरे ने लाके खड़ी कर दी तो कुल मिला के उस जगह पर आ क्या सकती है एक बाइक ही तो आ सकती है तो एक चीज आप लोग समझना जब ये सिलेंडर नहीं था पानी के अंदर इस सब जगह पानी था अब दोस्तों सिलेंडर का कुछ भाग पानी के अंदर आया है यानी उतना पानी इधर उधर चला गया होगा सिलेंडर का कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर आया है, तो उतना वॉल्यूम पानी का कहीं इधर उधर चला गया होगा सही बोल रहा हूं क्या मैं तो अगर मैं बोलू कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ है वो कैसे आप निकालेंगे आप देख लो कितना वॉल्यूम सिलेंडर का पानी के अंदर आया तो कितना हो जाएगा ये एरिया इंटू स्मॉल एंड एरिया इंटू स्मॉल एल तो जी से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है दोस्तों इधर भी जी आएगा इधर मैंने जी लगाना भूल गया ठीक है तो जी से ये जी आपका कैंसिल हो जाएगा ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो आप मुझे बताइए स्मॉल एल और कैपिटल एल का रेशियो क्या आया आप मुझे बताओ 600 सौ बटे एक हजार क्या ये बात समझ में आई क्या समझ में आई क्या बात समझ में आ गई बताओ बताओ आया नहीं आया आया या नहीं आया बोलते नहीं हो यार अब मुझे एक चीज बताओ स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल ये क्या बता रहा है कैपिटल एल मतलब इसकी पूरी लेंथ का कितना पार्ट पानी के अंदर है यही तो बता रहा है तो बेसिकली ये रेशियो आपको क्या बता रहा है कितना कितना परसेंट पानी के अंदर ठीक है ये जो बता रहा है यही तो बता रहा है यही तो बता रहा है ठीक है ठीक है दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे क्या सर इसके अलग अलग तरीके आप निकाल सकते हो देखो ये एक हजार क्या है ये छह सौ क्या है सौ क्या है इस सिलेंडर की डेंसिटी ये एक हजार क्या है पानी की डेंसिटी नहीं आया समझ में नहीं आया समझ में सर नहीं आया सर नहीं आया कोई बात नहीं मतलब इतना तो समझ में आ गया कितना परसेंट पानी के अंदर है उसके लिए आपने क्या करा देखो ये क्या है पदार्थ का घनत्व तो, ये क्या है पदार्थ का घनत्व तो, बटे ये क्या है पानी का घनत्व तो, ठीक है अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा टेंशन ना लीजिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं देखो मेरी बात को ध्यान से समझो मैं इधर आपको बोल रहा हूं अब इधर समझ में आ जाएगा आपको मैं आपको शॉर्ट में ये समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये कोई पानी है ठीक है पानी के अंदर मान लेते हैं मैंने दोस्तों कोई टुकड़ा डाल दिया दोस्तों ये जो टुकड़ा मैंने डाला ना इसकी जो डेंसिटी है वो कितना कितनी है मान लो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ठीक है पानी की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो मुझे बस इतना सा बता दो मुझे सब इतना सा बता दो इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर होगा बताओ तो अब आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप लोग सिंपली क्या करोगे इसकी डेंसिटी कितनी है पांच थी पानी की कितनी थी एक हजार तो आप लोग बोलोगे पचास परसेंट भाग इसका पानी के अंदर होगा ठीक है मुझे पता है दोस्तों थोड़ा सा टफ लग रहा कोई बात नहीं यार, क्योंकि आप बिल्कुल नया टॉपिक ना थोड़ा सा और ट्रिक बताओ ना देखो आ जाओ मैंने आपको बोला कि यार एक कंटेनर है एक कंटेनर है ठीक है ठीक है इसके अंदर आपने कोई वस्तु डाली इसके अंदर आपने कोई वस्तु डाली कुछ भी डाली आ, कुछ सिलेंडर था या कुछ भी डाल दो जो आपकी इच्छा हो दोस्तों इसकी डेंसिटी थी 300 किलोग्राम पर मीटर क्यों जिस पदार्थ से बना हुआ उसकी डेंसिटी थी 300 किलोग्राम पर मीटर क्यों पानी के जानते हो जाए इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर होगा बताओ तो तीन बट्टे एक हजार बदलोगे तो तीस आएगा ये ठीक है समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यानी आप एक चीज देख पा रहे हो जितना कम डेंसिटी वाला आपका पदार्थ होगा वो उतना ही कम डूबेगा जितना ज्यादा ये मान होगा जितना ज्यादा ये मान होगा उसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट का क्या होगा पानी के अंदर आएगा समझ में आ गई बात को क्लियर है क्या समझ में आ गई ठीक है चले आगे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसे आप समझ में आए नहीं, नहीं चलो ये बताओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बताओ इसका आंसर बताओ बताओ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझो लकड़ी का एक ब्लॉक है जो पानी पर तैरता है ठीक है ठीक है ये कंटेनर है इसके अंदर क्या है पानी है दोस्तों to लकड़ी का एक ब्लॉक है जो कि क्या कर रहा है पानी पे तैर रहा है लकड़ी का एक ब्लॉक है जो कि क्या कर रहा है पानी पे तैर रहा है ठीक है भैया ये एक लकड़ी का ब्लॉक है तैर रहा है ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसकी मात्रा का पैंसठ परसेंट पानी के नीचे है इसका जो टोटल वॉल्यूम है इसका जो टोटल एरिया है जो भी आप मानो मतलब उसका पैंसठ परसेंट भाग क्या है पानी के अंदर तो इसका घनत्व बताओ दोस्तों मान लेते हैं जो लकड़ी था इसका घनत्व था डी और पानी का घन आपको पता ही है एक हजार मैंने आपको क्या बताया इसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी का जब रेशो ना, इससे आपको क्या मिल जाएगा? कि कितना परसेंट पानी के अंदर है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है पैसठ तो इसको बराबर कर दो पैंसठ के ठीक है तो डेंसिटी आप मुझे खुद बता दो कितनी आ जाएगी मुझे खुद बता दो साढ़े छ सौ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी नहीं आएगी बताओ बताओ साढ़े छह सौ किलोग्राम मीटर क्यूब आएगी नहीं आएगी या इसको 0.65 10 की पावर 3 भी आप लोग लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बताओ 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 अरे बताओ दोस्तों समझ में आया और बताओ चलो ये चीज समझ में आ गई यहां तक कोई दिक्कत सिंपल सी चीज है चलो आ जाओ तो अब मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट में समझाता हूं ठीक है यहां पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं दोस्तों में न्यू स्लाइड ठीक है चलो आ जाओ अब एक नई चीज में आप लोगों को समझाता हूं आ जाओ प्लीज समझो मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा ठीक है हाँ सर समझाओ दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं मैंने ये बोला कि यार कोई वस्तु थी सर कोई वस्तु थी इसका जो वेट था ना इसका जो भार था वो था एक हजार न्यूटन ठीक है आपने कोई वस्तु थी इसका भार था एक हजार न्यूटन ठीक है दोस्तों जब आपने इसको किसी पानी में डाला जब आपने इसको किसी पानी में डाला तो इसका जो वेट है ना इसका जो भार है अब थोड़ा हल्की लगने लगी तो इसका जो एक्चुअल मतलब अब इसका जो वेट हम लोगों को प्रतीत हो रहा है वो कितना हो रहा है केवल 800 न्यूटन हो रहा है दोस्तों इससे आप लोग मुझे क्या निष्कर्ष बता सकते हैं मुझे तो ये बताओ 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 इससे आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो मुझे तो ये बताओ मैंने ये बोला यार कोई चीज मुझे पहले भारी लग रही थी उसका वेट था एक हजार न्यूटन जैसे पानी में डाला ना अब काफी हल्की लग रही है अब एक, मतलब देखा ना हमको वेट उसका कितना प्रतीत हो रहा है केवल आठ न्यूटन हो रहा है इसका मतलब क्या है आप मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ क्या आपको इससे लगता है बताओ 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 जल्दी से बताओ आप बोलेंगे सिंपली सर किसी भी वस्तु को हम लोग पानी में डालेंगे या किसी लिक्विड में डालेंगे तो कुछ पानी विस्थापित होगा और उसकी वजह से उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा फोर्स जिसकी वजह से हमको वस्तु हल्की लगेगी पहले एक हजार न्यूटन का लग रहा था नीचे अब पानी में डालने पर नेट नीचे कितना दो सौ न्यूटन का बताओ ये बात कितने जनों ने समझी आकाश जी ने समझी केवल एक व्यक्ति ने आकाश जी ने बोला दो सौ न्यूटन का पानी पानी फोर्स लगा रहा है दो सौ न्यूटन का क्या बात है अमित जी ने भी बता दिया बहुत बढ़िया बस इतनी सी चीज समझाना चाहता आपको सबको आता है मैं तो सोच रहा था सबने आंसर दे दिया बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है दोस्तों एक चीज मुझे बताओ अगर कोई भी पदार्थ है जैसे मान लो जैसे मान लो ये कोई पानी है पानी के अंदर दोस्तों कोई पदार्थ आप लोग डाल रहे हो तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या भारी होगा तो ज्यादा अंदर जाएगा हल्का होगा तो कम अंदर जाएगा ये अभी हमने देखा कि यार इसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कितना परसेंट इसका अंदर जाएगा ठीक है दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दू कोई भी पदार्थ आप लोग डाल रहे हो लकड़ी डाल रहे हो लकड़ी का टुकड़ा डाल रहे हो या सोने का टुकड़ा डाल रहे हो या किसी भी चीज का सबकी अपनी अपनी डेंसिटी होती है और दोस्तों जब आप लोग उसमें एक हजार का भाग लगाओगे पानी का भाग लगाओगे तो उससे उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाली जा सकती है ना ठीक है तो किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी आप लोग कैसे निकालते हो सर उसकी डेंसिटी बट्टे पानी की डेंसिटी लेकिन दोस्तों एक तरीका और है कैसे आ जाओ रिलेटिव डेंसिटी निकालने का कि उसका वेट कितना था वेट कितना था भार कितना था एयर में एयर में हवा में या फिर इसको एक्चुअल वेट भी बोल सकते हो एक्चुअल जो उसका था ठीक है लेकिन जब आप लोग उसको पानी में डालोगे तो कुछ लॉस हो जाएगा ना वेट का जैसे मान लो इधर हजार था पानी में डालने पर केवल आठ रह गया तो कुछ लॉस हो गया ना तो लॉस लॉस ऑफ वेट भार में क्या कमी आई लॉस ऑफ वेट यानी भार में कमी ठीक है या कुल मिला के आप लोग इसको बायसी फोर्स भी बोल सकते हो बायसी फोर्स उत्प्लावन बल उत्प्लावन बल दोस्तों ऐसे भी आप लोग रिलेटिव डेंसिटी उसकी निकाल सकते हो एक तरीका मैंने और बता दिया आइए क्वेश्चन करते हैं उससे सबको समझ में आ जाएगा ठीक है ठीक है आ जाओ देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं चलो जैसे मालूम मैं क्वेश्चन करवाई देता हूं मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु थी कोई वस्तु थी है ना इसका हवा में जो भार था चलो ये यही वाला क्वेश्चन लो है ना ये कोई वस्तु थी ठीक है ये कोई वस्तु थी इसका हवा में भार था एक हजार न्यूटन जैसे हमने पानी में डाला इसका भार कितना रह गया 800 न्यूटन इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालो जल्दी से बताओ इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी इसका अपेक्षित घनत्व कैसा होगा कितना होगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है एक्चुअल वेट कितना था 1000 पानी में डालने पर कितने की कमी हो गई पानी में डालने पर 800 रह गया कितने की कमी होगी 200 की होगी तो 1000 बटे 200 यानी इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी 5 होगी बताओ समझ में आ गई अरे बताओ आ गई बात समझ में दोस्तों हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं बाहर में कमी आ रही है देखो बहुत जन क्या बोलते हैं कि सर चीज पानी में डालने पर हल्की हो गई वो बोलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी हो गई एक्चुअली द्रव्यमान में कमी नहीं होती भार में कमी होती है और भार में भी नहीं होती वो ऊपर की ओर बाइन से फोर लगता है तो नेट नीचे की ओर जो फोर्स लगता है ना वो क्या होता है थोड़ा सा कम होता है ठीक है लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है ध्यान समझना कभी कभी मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि उसका पानी में डालने पर वो हल्का हो गया उसका द्रव्यमान कम हो गया द्रव्यमान कम होने का मतलब क्या है आप समझो मतलब कुल मिला के एक्चुअली में द्रव्यमान कम नहीं हुआ लेकिन चीज हल्की लग रही है तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल ही सकते हैं द्रव्यमान में कम हो गया द्रव्यमान में कमी बोल दो भार में कमी बोल दो ठीक है अब इस क्वेश्चन को करो देखो इस वीडियो को आपको एक बार वापस देखना पड़ेगा ध्यान रखना 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु के एक ब्लॉक का अपेक्षी घनत्व ढाई है पानी में पूरी तरह डूबाए जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान क्या होगा इसका आभासी द्रव्यमान क्या होगा देखो तो दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है ठीक है एक्चुअल एक्चुअल इसका वेट बोल दो या एक्चुअल इसका मास ले लो बटे लॉस ऑफ मास लॉस ऑफ मास कितनी कमी हुई या लॉस ऑफ वेट कितनी कमी हुई भार में रिलेटिव डेंसिटी इतनी ढाई थी, थी। एक्चुअल कितना था इसका 500 ग्राम ठीक है पानी में पूरी तरह डूबे जाने पर इसका आबासी द्रव्यमान कितना होगा चलो पहले तो आप लोग लॉस देखो लॉस कितना हुआ तो लॉस कितना हुआ लॉस कितना हुआ पांच सौ बट्टे ढाई ढाई को पांच बट्टे दो बोल सकते हो ये ऊपर जाएगा पांच सौ बटे पांच सौ सो इनू दो सौ 200 का लॉस हुआ यानी कितने का आवास हो रहा है अब कितना हो गया पहले पांच सौ था दो सौ का लॉस हो गया नहीं अब तीन सौ गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन करते हैं टेंशन मत लो इसका बताओ इसका बताओ 75 ग्राम द्रव्यमान के ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या है रिलेटिव डेंसिटी आप लोगों से पूछा जा रहा है ठीक है इसका एक्चुअल जो वेट था जो मास था पिछहत्तर ग्राम था पानी में डालने पर केवल पच्चीस ग्राम हो गया तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे उसका आप लोग मुझे बताओ पहले नॉर्मल कितना था उसका उसका था उसका उसका वेट या मास ग्राम ठीक है लॉस कितना हो गया सर केवल 25 ग्राम रह गया तो पचहत्तर में से 25 गया कितना हो गया 50 का लॉस हो गया तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालोगे इसको कैंसिल कर लो ये पिछहत्तर गया 25 से तीन बार में 50 गया 25 से दो बार में तीन बटे दो डेढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यार बताओ सर मैंने 2019 का सीबी टू क्लियर किया था बट लास्ट में मेरिट नहीं हुआ इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना बिल्कुल होगा अमित कुमार जी टेंशन ना लो ठीक है चलिए दोस्तों इसका आंसर बताए इसका आंसर बताए पचास ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या है जिससे पानी में पूरी तरह डुबोने पर उसका वजन दस ग्राम हो जाता है बताओ तो रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व आप लोगों को निकालना है पचास ग्राम उसका था पानी में डालने पर दस रह गया कितने का लॉस हो गया चालीस का हो गया तो पांच बट्टे चार वन पॉइंट टू फाइव बताओ ऐसे सिंपल आप कर सकते हो है ना समझ में आ गई बात को तो ये सिंपल सा था तो दोस्तों देखो मैं हर वीडियो के बाद में आपको नहीं बोलता लेकिन इसमें बोलूंगा इसको आपको एक बार और देखना है ना क्योंकि तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना हर किसी को समझ में किसी कोई तो समझा ही नहीं पाता ही है ना तो कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल से हमने समझा समझासी फोर्स उत्प्लावन बल क्या होता है कि सर कोई वस्तु जब हवा में होती है ना तो उसका कुछ वेट होता है पानी में डालने पर वो हल्की लगती है क्यों क्योंकि तो उस पर ऊपर फोर्स लगता है जिसको बायसी फोर्स बोलते हैं ठीक है सर अब आप मुझे यह बताओ सर जो बायसी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालू मैंने आपको ये बोला कि जब भी आप पानी में डालोगे तो ऑबियसली बात है कुछ पानी इधर उधर जाएगा तो जितना पानी इधर उधर गया है जितना तरल विस्थापित हुआ है उसका भार निकाल लो वो फोर्स के बराबर हो जाएगा हमने एक क्वेश्चन भी किया इसके बाद में ठीक है ठीक है मैंने आपको बोला अगर कोई वस्तु फ्लोट कर रही है इसका क्या तात्पर्य इसका तात्पर्य यह है कि जो वस्तु का वेट है भार है और वस्तु पे ऊपर की ओर जो बायसी फोर्स लग रहा है दोनों बराबर है ठीक है फिर मैंने ये क्वेश्चन करा के बताया आपको फिर मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि, कि किसी के भी रिलेटिव एंसिटी निकालने की एक ट्रिक होती है ठीक है सिंपल सी चीज है ठीक है दोस्तों तो मंडे को करेंगे हम लोग हीट एंड टेम्परेचर उषमा एवं तापमान ओके बाबा अपना ध्यान रखो मस्त पढ़ाई करो ठीक है अगर कोई भी दिक्कत आती है टेक्निकल संबंधी वैसे तो नहीं आती है आपको सेवन थ्री सेवन फोर जीरो वन नाइन फोर थ्री सेवन पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? धन्यवाद